जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि हम कुदरत को और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इस हवाले से एक प्रिंसिपल है 3R principle, जिसमें हम पढ़ेंगे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में, कि इन टर्म्स का क्या मतलब है और ये हमें किस तरह से हेल्प करेंगी नेचर को कंजर्व करने। देखिए बेटा, आज से पिछले 5-7 लेक्चर्स में हमने दो बातों को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। एक तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इंसान को जिंदा रहने के लिए नेचर की जरूरत है। बहुत सारी कुदरत नेचुरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी वजह से हम जिंदा हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम 5 मिनट भी ना गुजार सकें और वो हमें नेचर से मिलती है। मिसाल के तौर पर वाटर, मिसाल के तौर पर सनलाइट, मिसाल के तौर पर न्यूट्रिएंट्स जो हम जमीन से लेते हैं। तो इंसान के सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, अगर होंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। दूसरी चीज हमने ये अंडरस्टैंड की है पिछले कुछ दिनों में कि हमने हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान ही पहुंचाया, हमने कभी इनको सेव करने की कोशिश नहीं की है। और अब तीसरी बात यह है कि ये नेचर, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को सेव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इंसान का वजूद भी खत्म हो जाएगा, और उस टाइम से, उस वक्त से, उस परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को महफूज करना, कंजर्व करना सीखें और कंजर्व करना शुरू करें। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इस हवाले से सबसे पहले तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज का एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। भाई जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं मेरा बेटा जिनको हम कहते हैं कि जनाब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल हैं, यानी अगर एक बार इनको हम यूज कर लें तो इनको दोबारा बनाया जा सकता है। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी ये ऐसे हैं कि अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकती। रिन्यूएबल में मिसाल के तौर पर आपके पास सनलाइट है, हर रोज सूरज निकलता है और वो आपको लाइट जो है ना वो प्रोवाइड करता है, लाइट एनर्जी मिल जाती है, रिन्यूएबल है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ होते नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो अगर एक बार खत्म हो गए ना तो फिर उनका बनना, उनका प्रोड्यूस करना मुश्किल है। जैसे फॉसल फ्यूल्स, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट, जंगलात, बहुत टाइम लगता है जंगलात को बनने में, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अच्छा, अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको सेव करना, इनको कंजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये बनते दोबारा बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम लेते हैं। तो हमारा फोकस हमेशा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की सेफ्टी पे होना चाहिए, उनको कंजर्व करने पे होना चाहिए। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम कि हम इनको कंजर्व कर कैसे सकते हैं। इस हवाले से हम एक प्रिंसिपल है जी जो बहुत वाइडली यूज होता है, और वो है 3R principle। ये 3R principle बेटा ये कहता है कि अगर आप 3 चीजों पर अमल करें तो आप एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? उन 3 R's में से R1 जो है वो है जी रिड्यूस। आप जो कुछ भी यूज करते हैं उसका इस्तेमाल कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यूज लेस वाटर, पानी कम इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे जब हम नहाते ही हैं तो बजाय इसके कि वो शावर चला के नहाए, बाल्टी में पानी लेके नहा ले, पानी बचेगा जी ऐसे। यूज लेस फ्यूल, फ्यूल कम इस्तेमाल करें। अब फ्यूल आप कम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर आपके पास गाड़ी है, अगर तो नहीं है तो फिर तो ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी है तो बजाय इसके कि हम इंसान कलेक्टिवली अपनी अपनी व्हीकल्स पे सफर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो आपके पैसे भी कम लगेंगे और जो फ्यूल है वो भी कम लगेगा। फ्यूल फ्यूल के हवाले से इकोनॉमिक होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप वो यूज करें। इस तरह आपका जो फ्यूल है वो कम यूज होगा। यूज लेस एनर्जी, एनर्जी कम इस्तेमाल करें। एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कम इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें। कैसे भाई? जब आप कमरे में बैठे हो तो एक लाइट चला लें, सारी लाइट्स ना ऑन करें। जब आप रूम में ना हो तो लाइट्स ऑफ कर दें, फैन ऑफ कर दें। अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनको बिला वजह चलता हुआ ना छोड़ें। तो इन दिस वे आप मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, एंड दिस विल बी अ स्टेप towards a better environment। आगे चलते हैं R2 की बात करते हैं।
भाई R2 हमें कहता है कि रीयूज, आप जो भी चीज इस्तेमाल करें कोशिश करें कि आप उसको रीयूज कर सके। अब आप रीयूज किस चीज को कर सकते हैं जी? आप रीयूज कर सकते हैं मेरा बेटा अपने क्लॉथ्स को, कपड़ों को मैक्सिमम बार पहनने की कोशिश करें। आप रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक इक्विपमेंट को, प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं उनको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेपर को रीयूज कर सकते हैं, आप जो है बैग्स जो हैं उनको रीयूज कर सकते हैं। तो वो चीजें, वो मटेरियल्स जिनको आप रीयूज कर सकते हैं उनको कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रीयूज करें। तीसरा आर जो है, द थर्ड आर, R3 जिसको हम कहते हैं, वो है बेटा रीसाइकल, कि भाई जो चीजें आप रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा बना सकते हैं जरूर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, पेपर रिसाइकल हो सकता है मेरा बेटा, ग्लास रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। तो इन चीजों को मैक्सिमम रिसाइकल करें ताकि इनको दोबारा ना बनाना पड़े और आपका एनवायरमेंट साफ हो सके। अब ये है जी 3R प्रिंसिपल, जिस पर अगर मैं आप हम सब अमल करें तो हमारा एनवायरमेंट जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। इस 3R के साथ कहते हैं जी एक चौथा आर भी होता है, यानी आप इस R3 को R4 भी बना सकते हैं। इन प्रिंसिपल ये 3R ही है, लेकिन एक चौथा आर एडिशनल भी होता है बेटा, और उसको हम बोलते हैं रीफॉरेस्ट, कि आप दरख्त दोबारा लगाए, जंगलात दोबारा लगाए। इससे भी आपका माहौल, आपका एनवायरमेंट जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और आप एक अच्छे बेहतर एनवायरमेंट में सांस ले सकेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बताया, नेचुरल रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं जी, दो तरह के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और आप नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे थ्रू 3R प्रिंसिपल, ये हमने आज पढ़ा। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको सवाल हो तो आप पोर्टल पर मुझे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।